बढ़ते अगली खबर की ओर। रायपुर में स्थित श्री मेडिसिन हॉस्पिटल में 7 वर्ष के बच्चे के सिर में हुए ट्यूमर का बड़ी सफलतापूर्वक इलाज किया गया। इलाज करने वाले डॉक्टर राजेश जैन ने बताया कि इस प्रकार का इलाज करना काफी दिक्कत भरा होता है। डॉक्टर राजेश जैन ने बताया कि कहीं इलाज के पश्चात बच्चे की आवाज न चली जाए या कोई और अन्य परेशानी ना आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और ऑपरेशन के पश्चात बच्चे में काफी सुधार हुआ और बच्चा काफी स्वस्थ है। बच्चे की मौसी ने बताया कि वह कांकेर पखांजूर की रहने वाली है। सबसे पहले बच्चा को साधारण बुखार हुआ और जिसके बाद वे आसपास के क्लिनिक वाले में ही दिखा रहे थे। जब कोई आराम नहीं मिला तो उन्होंने सीटी स्कैन की सलाह दी। फिर 28 दिसंबर को बच्चे को श्री मेडिसिन हॉस्पिटल में भर्ती कराया। अब बच्चे की हालत काफी अच्छी है और इसके लिए बच्चे की मौसी ने हॉस्पिटल प्रबंधन और डॉक्टर को धन्यवाद ज्ञापित किया है। G27 को अभी लास्ट 27 को उसके 8 डे से उसको वोमिटिंग हो रही थी। हम लोग उसको बाजू के जो क्लिनिक थे वहीं पे लेके गए। उसको मलेरिया वगैरह हो गया था तो शायद वो रिपोर्ट फॉल्ट था जिसके कारण बच्चे को बहुत वीकनेस आ गया था, वोमिटिंग हो रही थी। हम लोग को लगा कि उसको वोमिट हो रहा है तो नर्सिंग होम में लेके जाना चाहिए। तो हम हॉस्पिटल में लेके गए तो उसको फिर वहाँ से वोमिटिंग कम ही नहीं हो रहा था। इंजेक्शन वगैरह लगाए फिर भी कम नहीं हुआ, ग्लूकोज वगैरह चढ़े तो वहाँ से रेफर किए। फिर हम लोग बटेना लेके आए, वहाँ से ऑक्सीजन वगैरह ले कनेक्ट करके ही लेके आए वहाँ से। फिर वहाँ से बटेना में हम लोग 1.5 दिन तक रुके। वहाँ पे रुकने के बाद वहाँ से स्कैन वगैरह हुआ, उनका सारे CBC टेस्ट वगैरह सारे कुछ होने के बावजूद उसको सीजर अटैक आने लगा। सारी मेडिसिन चल रही थी फिर भी सीजर अटैक आने लगा। 7 to 8 टाइम आ चुका था। फिर वहाँ से रेफर किए, बोले मेडिसिन हॉस्पिटल में लेके जाओ रायपुर में, वहाँ पे न्यूरो सर्जन है राजेंद्र सर के बारे में बोले। फिर हम उनसे कॉन्टैक्ट करे, करने के बाद यहाँ पे लेके आए। फिर रात को बोले MRI करना पड़ेगा। फिर MRI करने के लिए हम लोग लेके गए यहाँ से एम्बुलेंस करके। फिर उसके बाद यहाँ से ले जाने के बाद वहाँ से MRI करके लेके, उसके रास्ते में भी एक बार अटैक आ चुका था। फिर यहाँ पे आने के बाद सर एडमिट किए, रात को उनको ICU में रखे। MICU में रखने के बाद फिर 2 दिन तक थे। फिर नेक्स्ट डे शाम को उनका ऑपरेशन हुआ, ब्रेन में ट्यूमर था तो सर लेफ्ट साइड में, तो उनका पूरा बाएं पोर्शन वर्क नहीं कर रहा था, बच्चा बोल भी नहीं रहा था। तो फिर उसको धीरे धीरे नॉर्मल हुआ, अभी ऑपरेशन के बाद बच्चा ठीक है, अभी बात भी कर रहा है। बाकी हॉस्पिटल में कैसे चल रही है इलाज? बहुत अच्छी चल रही है हॉस्पिटल के बारे में? नहीं, बहुत अच्छा सेवा है इनका, हमको मतलब जब जो चीज़ की जरूरत पड़ी मिल गया, यहाँ पे सारे कुछ ठीक है, सुविधा है। मरीज को हम 29 तारीख को भर्ती किए थे सुबह, और मरीज भर्ती होने के समय बेहोश की अवस्था में था और बातचीत नहीं कर पा रहा था। उसके राइट साइड के हाथ पाँव में कमजोरी थी। ये मरीज जो है पखांजूर जिला कांकेर का मरीज है, और इसको 5-6 दिन से काफ़ी सर में दर्द और वॉमिटिंग हो रही थी और बच्चा ठीक से बात नहीं कर पा रहा था। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट ट्यूमर था। एक तो लेफ्ट साइड था ब्रेन के, जहाँ पर सोचना समझना पहचानना और पूरी याददाश्त रहती है अपनी, उस जगह पे था। तो इसको अपने नेविगेशन से पहले ट्यूमर को पूरा मार्क किया कि कितना आगे है, कितना पीछे है और कितना अंदर है ब्रेन में। उसके हिसाब से फिर मार्किंग करने के बाद ब्रेन में अपन नेविगेशन के थ्रू सर्जरी की गई और ट्यूमर को पूरा निकाल लिया। ऐसा लग रहा था मुझे कि बच्चे को बोलने में दिक्कत हो सकती है ऑपरेशन के बाद, पर ईश्वर की कृपा या हमारा जो भी नेविगेशन जो सर्जरी किए हैं उसकी वजह से ट्यूमर पूरा निकल गया ऑपरेशन के बाद, और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। उसको कोई भी बोलने में दिक्कत या उसके हाथ पाँव में कोई कमजोरी नहीं है। सर, जिस प्रकार आपने बताया कि जो ट्यूमर है काफ़ी कठिनाई पूर्ण रहा, तो कहीं बच्चे को आगे चल के कोई और तकलीफ तो नहीं होगी? अब ट्यूमर तो पूरा निकाल दिया अपन ने, लेकिन ट्यूमर की जो बायोप्सी रिपोर्ट है उसको आने में 5-6 दिन लगेगा। बायोप्सी रिपोर्ट आने के बाद ही अपने को क्लियर समझेगा कि कौन से ग्रेड का ट्यूमर है, अच्छी ग्रेड है कि खराब ग्रेड की ट्यूमर है। उसके हिसाब से फिर आगे उसकी ट्रीटमेंट प्लान करेंगे, सिकाई करना है या कीमोथेरेपी देना। श्री मेडिसिन हॉस्पिटल की COVID-19 कोरोना केयर सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए उच्च इलाज, 24 घंटे डॉक्टर्स एवं प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ, एंटीजन एवं RT-PCR टेस्ट की सुविधा, आपातकालीन स्थिति में वेंटिलेटर के साथ एम्बुलेंस की सुविधा, ICU की सुविधा, साथ ही साथ शासकीय शुल्क में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें श्री मेडिसिन हॉस्पिटल। हमारा पता है श्री मेडिसिन हॉस्पिटल, न्यू राजेंद्र नगर, अमलीडी, रायपुर।